कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब ये समझ लीजिए कि हर आमो खास इस पर अपनी राय रख रहा है और ये मामला दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। अब चूंकि देश के 5 राज्यों में चुनाव है, ऐसे में इस मुद्दे की भी चर्चा जोर शोर से हो रही है। फिलहाल आपको बताते चलें कि ये पूरा मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में है। जैसे ही कोई फैसला आएगा उसके बाद इसकी चर्चा होनी लाजमी है, लेकिन उससे पहले भी लोग तरह तरह से अपने अपने तरीके से अपनी अपनी राय रख रही हैं। इसी बीच सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह से हिजाब को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने दो टू कह दिया कि कोर्ट का फैसला आने के बाद देश की समस्त जनता को उस निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा, मेरा मानना है कि सभी धर्म के लोगों को स्कूल की यूनिफॉर्म और ड्रेस कोड को अपनाना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए। देश संविधान के आधार पर चलेगा। आपको बताते चले, सोमवार को भी कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक परंपरा नहीं है और धार्मिक निर्देशों को शैक्षणिक संस्थानों के बाहर रखना चाहिए। आपको बताते चले, ये पूरा विवाद उस समय गरमाया था जब कर्नाटक के एक स्कूल में कुछ लड़कियां हिजाब पहनकर पहुंच गई थी और वहां पर जो पूरा मैनेजमेंट था उन्होंने इसका विरोध किया था। उसके बाद ये सवाल पूरे देश में उठने लगा कि हिजाब पहनकर स्कूल में जाना अनिवार्य होना चाहिए या फिर नहीं। और इसी कड़ी में जब अमित शाह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि भाई देखिए, मेरा मानना है कि सभी धर्म के लोगों को स्कूल की यूनिफॉर्म और ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए, यानी कि स्कूल ने अपनी जो एक ड्रेस कोड बनाई है, अपना जो एक यूनिफॉर्म बनाया है, उसका पालन स्कूल में होना चाहिए। वैसे आपको बताते चले, ये मामला दिन पर दिन गर्माता जा रहा है। अभी हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी थी और कहा था कि वो हमें कैद में रखना चाहते हैं, हम नहीं रहेंगे। वो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, हम नहीं रहेंगे। वो हमें हिजाब पहनने से रोकना चाहते हैं, मेरी बेटी हिजाब पहनेगी। अमित शाह ने क्या कुछ कहा था ये तो हमने आपको बताया, ओवैसी ने क्या कुछ कहा चलिए आपको ये सुनवाते हैं। तुमको मेरी गाड़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं गाड़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? बहरहाल ओवैसी और अमित शाह दोनों को सुनने के बाद आप इस पूरी खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। Let's it up.